जय गुरु उपदेशया ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ?
चीज होती है लिरिक्स है ना, ते जे श्रोते की सुनना है लिरिक्स नू अगर तुसी सुच पाना है ते लिरिक्स नहीं चंगी ते श्रोता ने उदा साहित्य नहीं चंगा उदा कंटेंट ही नहीं चंगा ते ओ क्यों नहीं डिक्लाइन होगी, जेड़ी चीज़ यूजफुल नहीं रहेगी समाज वास्ते उदी यूटिलिटी अगर खत्म है ते ओ चीज़ धीरे धीरे वो चीज़ भी खत्म हो जाती है, वो स्किल्स भी खत्म हो जाती ने। और सब तो वड्डा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की डिक्लाइन का एक मेन कारण है मेरे मुताबिक, हो सकता है तो न्यूज पेपर का चांद तुम कुछ होर लग रहा हो, लेकिन मेरा यही व्यू पॉइंट है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का देखो तुम गुरमत संगीत अजय भी राग दरबार होंगे ने, छोटे भी संगत भी सुनना चाहती है कीर्तन, क्योंकि कीर्तन का आनंद ही वक् है गुरबाणी का, ये जो गुरमत संगीत जो कंटेंट है वह गुरबाणी का, और इस करके यदा अपना प्रभाव है, चाहे इन राग में गा लो चाहे इन लाइट म्यूजिक के तौर पर गोदी बंदी गा लो, यदा प्रभाव आना ही आना है, डेफिनेट है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने मैं अज शायद अपनी लाइफ में पहली बार ऑनलाइन गुरबाणी सिखाई है किसी को, हम दूजी बार उभरू होकर गुरबाणी की क्लास में बहुत वधिया लग रहा मैं सिखाता, क्योंकि असी सिखाती तो मैं भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही हाँ, पर ना सीखन वाला सीखना चाहता है तो ना फिर सिखाने वाले का भी नहीं वो बनती, क्योंकि जो अगो गुरबाणी है तुम बड़ा अच्छा मैं आंसर कर रहे सो, आंसर बैक कर रहे सो, बहुत अच्छा मैं फॉलोअप दे रहे सो, बहुत अच्छा लग रहा है मैं लेकिन जो तुम मौके पर किसी नवे नाल कर जा रहे हो तो यह प्रैशर बहुत होंगे कि कंपनीमेंट मिल जाएगी, तो बहुत आई एम सो मच लकी कि परमात्मा ने गुरु साहब, मैं गुरु साहब से ही छड़ा सी, मैं कोई भी गुरु रात जो मौके बड़ा चंगा लगे थोड़े ना शब्द कर मेरे ख्याल कौन सा
चल रहा है बंदा उस ढंग नाल। बाकी तुसीं मांड सुन लो बिल्कुल आसा वर्गा है, लेकिन वह बाती संबंधी फर्क फोन करके वह तो पाते जाके रुकते हैं आसा राग में मध्यम से आके विश्रांति देते हैं। उन्हीं गल नाल इहदा एक बड़ा ही नवा रूप खिल जाता है आसा राग का। तो गाया भी ज़्यादा गुरमस्त गीत ही जाता है, हिंदुस्तान में बहुत घट है प्रचार। फिर वो जो आसा राग सिखा लगी हाँ
तो आप मुहारे मुँह चो निकल गया तो मैनू लगे कि तुम्हें रैकग्निशन हो जाएगी आ सारा आप भी मैं अपनी बंदिश बस सुना दाँगी क्योंकि वो तो बहुत हो रही है लेकिन यह तुम दरबार साहब तो भी सुनते हो गए भाई जसविंदर सिंह भी इन गाँव हैं तो करतार सिंह भी है तो बहुत सुरीली बंदिश है उन्होंने ते बाकी वो तो रोज सुन लो सो दर तेरा के हर के जित कर सर्व समान मद दिल नाद अनेक संकार जित के पावन हार जित तेरे नाद परी सो कही है जित तेरे पावन हार गम तुम पवन पानी बैसंतर तीरथ नाल गाव तुनो जोद महाबल सूरा गाव तुनो पाणी चार गाव तुनो खंड मंडल ब्रह्मंडा भर भर रखते धार से तुनो पावन जो तुझ पावन रख तेरे भगत रसाल और कित तुनो गाशे मचित न आवन नानक क्या विचार सोई साची नाई है पी हो सी जाए मजासी रचना जे नर जाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जे ने उपाई कर कर देख की तारा बना जो तिस की बढ़ियाई जो तिस पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाए सो बादशाह सहापत नानक रहन रजाई 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह Oh,
फिरता आसा लागे ओ तन की
दी।